यहाँ जी जब क्लॉन मशीन देखती है उसे जियाशु वाला इंसिडेंट याद आता है। वो उस मशीन से खेलने लग जाती है, तभी मिंग उसे खेलता देख खुद खेलने लग जाता है ताकि वो सॉफ्ट टॉय गिफ्ट में जी को दे सके। जैसे ही मिंग जीतता है तभी जी भी जीत जाती है। वो अपना जीता हुआ टॉय देख के बहुत खुश होती है। मिंग कहता है एक तुम रख लो और दूसरा मैं रख लेता हूँ। मिंग उससे खाने की पूछता है पर जी कहती है लेट बहुत हो गया है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही मिंग जी को हॉस्टल छोड़ता है तभी जी के रूममेट वहाँ आकर न्यू ईयर ईव सेंट्रल प्लाजा में सेलिब्रेट करने का सोचते हैं। वो लोग मिंग को भी इनवाइट करते हैं। प्लान डिसाइड हो जाता है। यहाँ सभी न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने के लिए निकलते हैं पर जी बहाना मार के मना कर देती है कि बाहर बहुत ठंड है। रूलान तैयार होकर आती है। वो सबसे अलग दिखती है। सभी उसे देख के चौंक जाते हैं। फाइनली सभी वहाँ से निकलते हैं। मिंग और श्यांग लड़कियों का बाहर वेट करते हैं। सभी वहाँ पहुँचते हैं। मिंग रूलान को देख के कहता है आज ग्लासेस नहीं पहने तुमने। शिन एग्री करके कहती है अच्छी लग रही है ना ये। मिंग एग्री करता है। शिन रूलान को कॉन्फिडेंस में रहने को कहती है। वह सभी को पार्टी में चलने को कहती है बट मिंग जी के बारे में पूछता है। वह उसे जी के ना आने का रीजन बता देती है। मिंग जी के लिए कुछ गिफ्ट लाया होता है वो उसे और छुपाता है। सभी लोग वहाँ से पार्टी के लिए निकलते हैं। यहाँ जी जैसे ही खाने जाती है तभी उसे जाशु का कॉल आता है। वो उससे पूछता है क्या कर रही हो। जी कहती है कुछ भी तो नहीं। जाशु कहता है मेरी कंपनी में डिनर है मैं उसमें अपनी फैमिली को ला सकता हूँ तुम चलोगी क्या। जी मन में कहती है मैं आपकी फैमिली का हूँ। वो जाशु को मना कर देती है। जाशु कहता है अगर तुम्हें भीड़ नहीं चाहिए तो हम अकेले डिनर करेंगे। जी आनाकानी करती है पर जाशु उसे मना लेता है।